जय हिंद दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही आम समस्या जो कि 80 से 90 फीसदी लोग कभी ना कभी अपने जीवन में फेस करते हैं, कमर दर्द और गर्दन दर्द। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिसे हम बोलते हैं, या स्लिप डिस्क बोलते हैं। मोटे तौर पे ये स्लिप डिस्क इसलिए बोलते हैं कि डिस्क जो होती है वो ड्राई जब हो जाती है, डेसिकेटेड हो जाती है जब वो, तो अपनी जगह से वो या तो माइग्रेट कर जाती है या फिर उसका कोई फ्रैगमेंट निकल जाता है और नस को दबाता है। अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम हुआ, नर्व तो प्रेस होगा तो गर्दन में दर्द होगा, हाथों में दर्द हो सकता है, झंझनाहट सुनपन हो सकता है। सेम चीज अगर कमर में नस दबा तो हमारे कमर में दर्द या पाँव में दर्द, झंझनाहट सुनपना, ये सभी संभव है। देखिए, मोटे तौर पे ये डीजनरेटिव होते हैं। जनरली उम्र के साथ जो चेंजेस होते हैं, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो ये डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। प्राय इसके अलावा दूसरे कारण भी होते हैं, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन से हो सकता है, कई बार कोई कैंसरस होता है, मेटास्टेटिक लीजन्स की वजह से ऐसा हो सकता है। देखिए, चोट से भी ऐसा संभव है। तो MRI, कुछ सामान्य ब्लड टेस्ट से ये हम निदान कर सकते हैं कि किस वजह से, पर जैसे मैंने बोला, आमतौर पर ये डीजनरेटिव सबसे कॉमन कारण होता है। अब देखिए, जब भी किसी को अचानक ये सब दर्द जब होते हैं, तो शुरुआत में जब एक्यूट स्टेज है, यानी शुरुआती जब दिन है, उस वक्त सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, नस पे प्रेशर आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको रेस्ट दें, चाहे वो सर्वाइकल कॉलर से है या लंबर कोई बेल्ट लगा के उसको टेम्परेरीली रेस्ट दें। वो रेस्ट कुछ दिन का हो सकता है, एटलीस्ट बहुत ज्यादा लोड ना डालें उस पर, कोई भारी वजन ना उठाएं, जमीन पे ना बैठे, ये सब चीजें अवॉइड करें, बहुत ज्यादा कसरत ना करें उस वक्त। कसरत यानी फिजियोथेरेपिस्ट को भी ये समझने की जरूरत है कि उस वक्त वो ही एक्सरसाइज कराएं जो सिर्फ पेन रिलीफ के लिए हो। बाकी एक्सरसाइज जब इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाए, दर्द जब सबसाइड हो जाए, तब मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, वो कुछ दिनों के बाद करें जब पेन सबसाइड हो जाए, नहीं तो और वो एग्रेवेट हो जाती है प्रॉब्लम। देखिए, शुरुआत में जब दर्द ज्यादा है तो जैसे मैंने बोला, रेस्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्योंकि आप जानते हैं हमारा स्पाइन को एक सीधा स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर। ये गर्दन का जो हिस्सा होता है ये इस तरह का होता है, तकरीबन लॉर्डोटिक होता है, थोड़ा मतलब कर्व होता है इसमें, और सेम चीज जो लंबर वाला एरिया लॉर्डोटिक होता है। तो हम जब झुक के काम करते हैं पूरे टाइम, किसी ना किसी पीसी पे, माइक्रोस्कोप पे बैंड होके पूरे समय काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, बिस्तर में लेट के पढ़ते हैं, जब भी गर्दन हमारी तकरीबन झुकी रहती है, तो उससे हमारा जो लॉर्डोटिक जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होता है, धीरे धीरे वो काइफोटिक होने लगता है, उल्टा होने लगता है, तो नसों पे दबाव डालता है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजों का इनका ध्यान रखें। तो जो मैंने बताया शुरुआती दौर में जो इलाज, क्योंकि ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये इलाज से 90% लोगों में आराम आ जाता है, 5 या 10% लोगों में ही कोई ब्लॉक लगाने की, इंजेक्शन लगाने की, ऑपरेट करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, समझने की बात यह है कि शुरुआत में जो रेस्ट, एनाल्जेसिक, जो सामान्य एनाल्जेसिक होती है, उसमें मसल रिलैक्सेंट देते हैं, दर्द की दवा देते हैं कुछ दिनों के लिए, रेयरली कभी कभी शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड का देते हैं 2-4 दिन के लिए। दूसरा उसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, जैसे कि कई सारी एक्सरसाइज होती है, कुछ एक्सरसाइज होती है जैसे मोटे तौर पर आप देखिए, कई बार हम साधारण अगर कई बार हीट पैड लगाते हैं, कूल कुछ लगाने से उसमें टेम्परेरी आराम पड़ता है। सेम वे मैट्रिक्स थेरेपी कराते हैं जिससे फ्लो इंप्रूव होता है, जो एक तरह से मैकेनिकल वाइब्रेशंस क्रिएट करती है उससे फ्लो इंप्रूव करता है, एंडोर्फिन का सब्सटेंस जो होता है, पेन रिलीविंग सब्सटेंस होता है, वो बढ़ता है ब्लड में, प्लस मसल रिलैक्स होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन बेस्ड थेरेपीज होती है, कुछ टेंस करते हैं पेन रिलीव करने के लिए, NMES थेरेपी जो होती है। तो याद रहे कि शुरुआत की हमारी जो थेरेपी है उनका मुख्य उद्देश्य शुरू में दर्द का निवारण करना है, उसके बाद हम मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पर जाएंगे जो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों बाद जाएंगे, निर्भर करता है कितनी इंजरी है। हर सर्वाइकल डिस्क, हर लंबर डिस्क एक नहीं है, हर पेशेंट अलग होता है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, एक ही दवा एक ही थेरेपी से काम हर मरीज में नहीं चलता है। तो ये समझने की बात है इंपॉर्टेंट कि ब्लाइंड ट्रीटमेंट नहीं करना है। आपका बहुत सिग्निफिकेंट डिस्क है गर्दन में, आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, पता चला है उसमें हाथ पांव काम करना बंद कर गया, सो अवॉइड करें ये सिचुएशन। इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प से पहले न्यूरोलॉजिस्ट को समझें कि वो क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या निदान है, क्या उपचार है,
और देखिए सर्जरी का रोल तभी आता है जब दर्द में, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज और दवाई देने के बाद भी दर्द में आराम नहीं आ रहा है, अचानक कोई हाथ पांव में कुछ कमजोरी आने लगी है, कंटिन्यूअसली हमको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, हमको ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो अर्जेंट इंडिकेशंस होती हैं सर्जरी की। देखिए सर्जरी का मुख्य पर्पस तरह तरह की सर्जरी होती है, सर्वाइकल, लंबर में, जो कॉमन सर्जरी का आपने नाम, डिस्क फ्रेगमेंट अगर प्रोट्रूड कर रहा है तो उसको आजकल ओपन सर्जरी के मतलब माइक्रोस्कोपिक डिस्कैक्टमी करते हैं, उसको डिस्क को निकाल देते हैं, लेमिना जो पीछे वर्टिब्रा का पीछे का भाग है उसको कई बार हटा देते हैं, ताकि वो खासतौर पर जब कैनाल साइज नैरो होता है स्पाइनल स्टिनोसिस में करते हैं तो लेमिनेक्टमी कर देते हैं। इसी तरह कई बार आपने सुना होगा कि डिस्क, अगर सिंगल डिस्क डिजीज डिस्क है सिंगल और यंग पेशेंट है, तो आजकल सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट किया जाता है, फोरामिन जहां से नर्व पास होती है अगर, तो फोरामिनोटोमी करते हैं, किसी किसी केस में वर्टिब्रा में भी ऑस्टियोटोमी करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की सर्जरी, ये डिसीजन आपके सर्जन को करने दें आपके लिए क्या, पर मैंने ऐसा बोला ये 5 से 10% लोगों में ही इसकी आवश्यकता होती है। आजकल सर्जरी के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि अब बेहतर टेक्निक है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होता है, माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है और इसकी एक्सपर्टाइज काफी बेटर हो गई है। तो यस, कुछ केसेस में आवश्यकता होती है, पर हम अभी भी ये मानते हैं कि अगर आप समुचित मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं तो 90% केसेस में आपको सर्जरी या ब्लॉक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिए शुरुआती ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हमेशा आगे आने वाले समय में हम दो पांव पे चलने वाले इंसान हैं। सर्वाइकल डिस्क का प्रॉब्लम एनिमल्स में नहीं होता है, चौपाए जो होते हैं उनमें नहीं होता है, हमारे अंदर होता है। हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भविष्य में भी, और यस जब हम इससे उबर जाएं तो आने वाले समय में भी ध्यान रखें कि हम ऐसे जो पोस्चर्स हैं उसको अपने सही रखें, कसरत है वो समुचित और सही कसरत करें। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप डिस्क आपका चाहे वो सर्वाइकल एरिया में है चाहे लंबर एरिया में है उसके साथ एक आप खुशहाल और फ्रूटफुल लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड वंस अगेन आई विल से एंजॉय योर डे।